हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं सॉलिड इलेक्ट्रिकल टिप्स। दोस्तों, हमारे पास एक कूलर फैन मोटर है, ये अभी डेड कंडीशन में है, सप्लाई देने पर चालू नहीं हो रहा है और आज हम इसको चेक करेंगे और इसको ठीक करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हमें मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना होगा, तो इसके लिए हम वायर को पहले छील लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि हम आसानी से रेजिस्टेंस ले सकें। दोस्तों, अब हमें मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को हमें रेजिस्टेंस मोड में सेलेक्ट कर देना है और फोर वायर कूलर मोटर में, जैसा कि आपको पता भी होगा, ये ब्लू वाला जो वायर होता है वो कॉमन होता है। अगर आपको फोर वायर के कनेक्शन के बारे में पता नहीं है तो हमारा उस पर एक वीडियो बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमने हमारे मल्टीमीटर का एक प्रोब कॉमन के साथ फिक्स कर दिया है और बारी बारी से बाकी तीनों लीड वायर के साथ चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ब्लैक के साथ ओपन दिखा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। अब रेड के साथ देखते हैं, हमारा ब्लू और रेड भी ओपन आ रहा है। दोस्तों, इस भी ओपन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ग्रीन वायर में भी हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ओपन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कॉमन वायर में ही कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए मोटर को खोल लेते हैं, उसके बाद हम वाइंडिंग में चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है। दोस्तों, हम चारों स्टड को खोलकर अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें दोनों साइड का कॉइल को अच्छे से बारीकी से चेक करना होगा, कहीं कोई कटा फटा तो नहीं है, कहीं वाइंडिंग हमारा कहीं ब्रेक तो नहीं है। एल्युमिनियम वाइंडिंग में ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कि हीट की वजह से हमारा वाइंडिंग सड़ जाता है और देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन अब हल्के हाथ से या कुछ चीज़ से जैसे उसको छेड़ेंगे वो ब्रेक हो जाता है। तो हमें बारीकी से चेक करना पड़ेगा। हमें इस साइड तो कोई ऐसा डैमेज नहीं दिख रहा है, सामने वाला वाइंडिंग हमारा ठीक है, इसलिए पीछे देखते हैं। हमें बारीकी से देखना होगा दोस्तों, और आप भी जब कभी इस तरह कूलर मोटर का वाइंडिंग चेक करें तो बारीकी से देखें। ऐसे देखने पर तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम धागा खोलकर जॉइंट चेक कर लेते हैं पहले, जहाँ हमारा कॉइल और हमारा लीड वायर का जॉइंट है उस जगह को पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमारा कॉमन वाले वायर में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, इसलिए हम पहले उसको चेक करेंगे। दोस्तों, हमें सारे धागों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि बारीक से चेक करना है तो इस साइड अच्छे से देखना पड़ेगा। दोस्तों, हमें पहले ही ये देखिए यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर हमारा ये तीन वायर सड़ चुका है, सड़ के ये
ये अलग हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें से हमारा तीन वायर कट के अलग हो चुका है। और इसी वजह से हमारा कॉमन के साथ बाकी लीड वायर का कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, क्योंकि एल्युमिनियम तार का वाइंडिंग थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा उसका भी सोल्डर पेस्ट और वायर आता है, लेकिन हमारे पास नहीं होने की वजह से हमें इसको ट्विस्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे पास इसका सोल्डर फ्लक्स नहीं है, नहीं तो हम इसको सोल्डर भी कर देते। तो हमें तीनों वायर के इंसुलेशन को निकालना होगा, तो हम उसको लाइटर की मदद से जला देंगे जिससे कि आसानी से इंसुलेशन बाहर निकल जाए और हमारा वायर डैमेज ना हो। तो ये भी एल्युमिनियम है तो थोड़े से डैमेज होने पर टूट जाता है, इसलिए आपको ध्यान से एकदम आराम से करना होगा। हम दोनों साइड का इंसुलेशन उसे से निकालना है, उसके बाद तीनों को आपस में ट्विस्ट कर देना है दोनों साइड को, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। हमने दोनों साइड के तीनों वायर को आपस में ट्विस्ट करके अच्छे से ट्विस्ट कर लिया है, और फिर एक इस तरह का वायर लेंगे, एल्युमिनियम का ही वायर लेंगे और उसको बीच से मोड़ लेंगे ताकि वो मोटा हो जाए, और उसका भी इंसुलेशन निकाल लेंगे दो किनारे से, और उसके दोनों किनारे से इंसुलेशन निकालने के बाद इसमें एक जीरो साइज का स्लीव चढ़ा देंगे। और फिर हमारा जो ट्विस्ट क्या हुआ वायर है उसके साथ हमारा जो जंपर वायर है उस जंपर वायर को ट्विस्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ट्विस्ट करना है आपको। दोस्तों, हमने दोनों साइड को अच्छे से ट्विस्ट कर दिया है। चलिए एक बार कंटिन्यूटी लेकर देखते हैं कि हमारा जो वायर, जो लीड वायर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा था नीला वाला, उसके साथ हमारे बाकी जो तीन वायर हैं उसका कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये हमारा बोर्ड है और ये हमारा सीरीज लैंप है, सीरीज टेस्ट लैंप। तो इससे हम अभी चेक करने वाले हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा सीरीज बोर्ड में लैंप में पावर आ रहा है। तो एक किनारे को हम नीला में लगाकर, नीले वायर में लगाकर नीले के साथ बाकी सभी लीड वायर को चेक करने के बाद हमें उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर देना है। हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा था, मतलब हमारा वाइंडिंग अब सही हो गया है। अच्छे से हमें ड्रेसिंग करके धागे से बांध देना है।
दोस्तों धागा बांधते समय एक बात का ध्यान रखें कि धागा हमारे कॉइल के बीच में से डालते समय किसी वायर के साथ उसमें न फंस जाए, क्योंकि अगर कोई वायर उसमें फंस गया और उसको टाइट करने के लिए अगर धागा को खींचेंगे तो वो वायर भी टूट जाएगा और हमारा वाइंडिंग फिर से डैमेज हो जाएगा और फिर से काम नहीं करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, धागा बांधते समय कोई वाइंडिंग वायर न टूट जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एल्युमिनियम वाइंडिंग रिपेयर करते समय बहुत परेशानी आती है, जैसे कि हम कोई एक वायर निकाल लेते हैं, कोई वाइंडिंग वायर टूटा हुआ है उसको निकाल लिए तो उसको ठीक करने के चक्कर में उसको जैसे कि टूट गया है तो उसको बाहर निकालने के चक्कर में वो और टूट जाता है और टूटते जाता है, और एक स्थिति ऐसे रहती है कि उसमें और हम ज्वाइंट ही नहीं कर सकते। तो जब भी आप एल्युमिनियम वाइंडिंग को रिपेयर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी आपको वाइंडिंग कटा हुआ मिले तो सबसे पहले उसमें एक काम करें, लंबा वाला एल्युमिनियम का वायर ही, जिस गेज का वाइंडिंग है उसी गेज का लेकर उसको ज्वाइन कर दें और उसको अच्छे से धागे से पहले बांध दें स्लिप चढ़ा के, जिससे कि हमारा लीड लंबा हो जाएगा और हम उसको अच्छे से बाकी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जोड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, एल्युमिनियम वाला जो वायर होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, कॉपर के वायर में तो हम थोड़ा जोर भी लगा सकते हैं लेकिन एल्युमिनियम के वायर में हम जोर नहीं लगा सकते, ये बहुत ही कमज़ोर होता है, थोड़ा सा भी ताकत लगाने पर ये टूट जाएगा। तो ताकत बिल्कुल भी ना लगाएं, हड़बड़ी तो बिल्कुल भी ना करें, हड़बड़ाएं नहीं, एकदम आराम से काम करें। दोस्तों हमने लीड वायर और कैपेसिटर के वायर को धागे की मदद से अच्छे से बांध दिया है, ड्रेसिंग कर लिया है, अब हमें फिट करना है तो हम पहले पीछे का कवर फिट करेंगे। बूस को आपको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, वो टेढ़ा हो गया रहता है तो हमारा शाफ्ट उसमें बैठता नहीं है, तो आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। स्टड बोल्ट डालते समय भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा वाइंडिंग के साथ वो टच न रहे, टच रहेगा तो क्या है कि आप उसको आगे पीछे करेंगे तो उससे वाइंडिंग भी कट सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और अच्छे से जब भी मोटर को फिट करें तो हल्के हाथों से शाफ्ट को घुमाते रहें और नट को टाइट करें, क्या है हम ऐसे ही टाइट कर देंगे तो बाद में हमारा शाफ्ट घूमता नहीं है, फंस जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा शाफ्ट बिल्कुल फ्री है, एकदम अच्छे से घूम रहा है। तो दोस्तों चलिए कैपेसिटर लगा लेते हैं, इसका कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेट का है, एक स्लीव चढ़ा देते हैं, दोनों जॉइंट के ऊपर हमें स्लीव चढ़ाना है जिससे कि आपस में सटे ना। अभी हमें टेस्ट करना है मोटर को। दोस्तों हमारा कैपेसिटर लग चुका है, अब हमें टेस्ट करना है, तो हम शाफ्ट में टेप लगा देंगे जिससे कि जब भी मोटर घूम रहा होगा
तो हमें कैमरा में साफ दिखाई दे। दोस्तों फोर वायर कूलर मोटर में नीला वाला जो वायर होता है वो कॉमन होता है, इस बात का ध्यान रखें, और जो काला वाला वायर होता है वो हाई स्पीड का होता है, और जो वाइट वाला होता है हमारे इस मोटर में हरा कलर का है वो वाइट का रहता है, वो मीडियम स्पीड का रहता है, और जो लाल वाला वायर होता है वो लो स्पीड का रहता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा मोटर अच्छे से चल रहा है अभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।